अस्सलाम वालेकुम मैं हूं मुजम्मिल खान और आप मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं जैसा आपको पता है कि मकान शॉप की टीम जो है वो मुल्तान आई हुई है डी एच ए मुल्तान में और यहाँ पर हम जो इंटरव्यू करने लगे हैं वो हमारे साथ ब्रिगेडियर कैसर अली हैदर साहब जो कि लैंड प्रोवाइडर हैं डी एच ए मुल्तान के और इसके अलावा पैटर्न इन चीफ हैं मुल्तान डी एच ए के तो इनसे बात करेंगे अस्सलाम असल सर सर कैसे हैं जी ग्रेटफुल अच्छा सर डीएचए एक हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दें कि कितने आ, एरिया कितना है इसका और कितने इसके गेट हैं जी डीएचए ए मुल्तान को इस्टेब्लिश हुए कुछ चार पाँच साल हो गए जी और इस थोड़े से पीरियड में जिस तरह से डी ने लैंड प्रोक्योर की है और कोई ऑलमोस्ट बारह तेरह एकड़ लैंड जो है वो प्रोक्योर कर चुके हैं और जिस स्पीड से डेवलपमेंट हुई है ये एक रिकॉर्ड टाइम है जो कि बड़े बड़े डी जो कराची और मुल्तान के हैं कराची और लाहौर के डी हैं इवन दे आर टेकिंग लीड्स फ्राम डी मुल्तान और मैनेजमेंट uh, uh, को अप्रिशिएट करूँगा मैं कि जिस तरीके से स्पेशली पिछले दो ढाई सालों से ब्रिगेडियर शोब बनवर जब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं और उनकी टीम जो चेंज हुई थी उस पूरी टीम की uh, जितने भी एफर्ट्स हैं पिछले कोई साल डेढ़ में स्पेशली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बेसिकली जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनकी दो चीज़ें जो हर आदमी बहुत अप्रिशिएट करता है वो एक तो डेवलपमेंट का एक स्पीड है और दूसरा मीटिंग द टाइम कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा किया है अगर उन्होंने एनर्जाइजेशन की बात की किसी सेक्टर की तो वो उन्होंने टाइम पे उन्होंने पोजिशन की बात किया तो टाइम पे की है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो हैं उस वक्त पोजीशंस दे दी गई हैं और दी जा रही हैं जो टाइम दी गई हैं वो सारी की सारी अलहमदिल्ला डी एच ए मुल्तान मीट कर रहे हैं और आ, अभी आप ये डीलर्स इनक्लेव में खड़े हुए हैं आपके सामने ये तीन सौ फुट की मेन बुलबॉर्ड बुल है जी अभी ये रन कर रही है फ्राम बोसन रोड टिल मथी रोड और ये ज्वाइन करती है एक गेट बोसन रोड पे है जना गेट एक मतीदल रोड एक इकबाल गेट है जी और एक तीसरा गेट जो कादरपुर रामा बाईपास पे वो गेट बन चुका है और रोड पर ऊपर काम हो रहा है तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी कि एनीबॉडी कमिंग टू डे मुल्तान लाहौर से खानवाल साइड से भावलपुर साइड से तो उनको ऑल द वे सिटी से नहीं आना पड़ेगा उनको वो एक्सेस एक दे दी गई है कादरपुर रामा बाईपास रोड पर निकलते हैं जस्ट फिफ्टीन और यू आ इन तो ये वो चीजें जो इस डी एच ए की खूबसूरती है और ये वो चीजें जिनकी वजह से एवरीबडी फील प्राउड ऑफ ब्रिगेडियर शोब अन क्या एंड हिस्टीम के वो जब से आए हैं उन्होंने एक एक प्रोमिस को प्रॉपर तरीके से हैंडल किए और मीट किया उसको सर जैसे हम देखते हैं कि अभी हम गेट से एंटर हुए हैं तो साथ ही एक बहुत बड़ा जू बनाया गया है उसके अलावा आगे आप जैसे देख रहे हैं कि एजुकेशन सिटी भी आप सेक्टर भी बना रहे हैं जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज होंगी उसके बारे में बताइएगा प्लीज़ देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना जी इतने जल्दी किसी डीएचए में ये शुरू नहीं हुए और पॉपुलेट नहीं हुआ डीएचए बट यहाँ अलहदुल्ला जैसे आप बोसन रोड से इन होते हैं जिना गेट से तो आपको राइट पे विलाज नजर आते हैं जहाँ फैमिलीज रह रही हैं मार्केट्स बन चुकी हैं उसके ऑपोजिट आपको एरिना मेस मिलता है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डीएचए का उसके साथ फूड कोर्ट है वो शुरू हो चुका है जो जो आप आगे जाते हैं आपको आगे जू मिला है जो आपने देखा है 360 जू जो कि बड़ी हाई लेवल का बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स का एक जू बनाया गया यहां है यहाँ पे और फिर एंड पे अगर आप निकलते हैं तो आपको रास्ते में आपको दोनों साइडों पर घर बने हुए नजर आ रहे हैं और फैमिलीज रह रही हैं स्पेशली एम सेक्टर तो चार पाँच सौ से ज़्यादा घर बन चुके हैं इस तरह क्यू यू में बी में कंस्ट्रक्शन शुरू है एनर्जाइजेशन हो चुकी है आगे आप जाते हैं तो आगे आपको एजुकेशन सिटी जिस तरह आप हैं, वहाँ पे मुख्तलफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी प्रोमिनंट यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हुए हैं और उनका काम शुरू होने वाला है कुछ का शुरू हो भी गया है नमल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पे आ, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया देर दे है दे आर इस्टिशिंग बहुत जल्दी जो है यहाँ पे आ, गन क्लब एक बन रहा है जी और उस गन क्लब में भी जो है वो साउथ पंजाब में वो पहला गन क्लब होगा जिसमें यहाँ के लोगों को एक फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपना जो वेपन क्रेजी लोग हैं उनको वो आके अपने वेपन से और जिसमें शूटिंग प्रैक्टिस भी कर सके इवन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज वहाँ पे फैसिलिटीज होंगी जो सबसे बड़ा इसका जो प्रोजेक्ट का जो एक झूमर है ना जी वो है रोमेंजा गोल्फ क्लब तो रोमेंजा जो है वो आपको पता होगा जी कि ये एक सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है, है। जो कि एशिया में सिर्फ वाहिद ये एक सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है जो पाकिस्तान में और मुल्तान में बनाया गया और वो कंप्लीट हो चुका है और इन एंड ऑफ फेबर उसकी इनोग्रेशन ओपनिंग है ठीक है अच्छा सर दूसरा अब हमें यह बताइएगा कि डी एच ए में जो हॉस्पिटल्स वगैरह उसके हवाले से कौन सा सेक्टर जो है वो मुख्त किया गया जी इसमें जो हॉस्पिटल जो आप जो एजुकेशन सिटी वाली जो बात कर रहे हैं जी उस साइड पे हॉस्पिटल्स के लिए जगह है उसके अलावा बीच में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जिस पर काम शुरू हो गया वो आपको सेंटर स्क्वायर से साथ ही आगे थोड़ा आगे जाके सेक्टर आ, यू क्यू में आता है वो इसके अलावा जो होटल्स हैं दो फाइव स्टार होटल्स जो कि पहले मुल्तान में नहीं है जी। वो दो फाइव स्टार होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं और वो चीज़ें फाइनल है और वेरी सुन आर बिगनिंग द कंस्ट्रक्शन एक्चुअल जो चीज़ लोगों को समझाने की जरूरत है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए स्पेशली ओवरसीज के लिए उनके लिए मैं उनको पैगाम ये दूंगा कि देखें आपको गारंटीज चाहिए होती हैं कि आप जिस जो चीज़ ले रहे हैं क्या वो डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं तो ये पिछले दो साल का जो रिकॉर्ड है ब्रगेडे शुएब क्या का वो इस चीज का एक आपको गारंटी है कि जो उन्होंने प्रामिस किए हैं वो डिलीवर किए हुए हैं उस तरह। सो so बेसिकली जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको मशवरा दूंगा उनको एडवाइस करूंगा कि जी मुल्तान जो है बहुत जल्दी साउथ पंजाब का कैपिटल डिक्लेयर होने वाला है साउथ पंजाब का जो सूबा है वो बनना ही बनना है वो अगले साल बने दो साल बाद बने बट इट्स राइटिंग ऑन द वॉल होना ही है और जब सुबह बनेगा तो मुल्तान वुड बी कैपिटल अभी आप अंदाज़ा कर लें कि जिस दिन ये हो गया तो पूरे जनूबी पंजाब से लोग रहीमजर खान से लेकर डीजी खान बखर जहंग लिया हर आदमी जो है वो फोकस करेगा कर टुवर्ड मुल्तान कि मुझे यहाँ पे घर मिल जाए स्पेशली जो थोड़ा बहुत कोई ब्यूरोट्स हैं पोलिटिकल लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो

अलसीना इंटरप्राइजेज़ जो लैंड प्रोवाइडिंग में डील करते हैं हम और प्लॉट सेल परचेज में वो हमारी पूरी टीम है एक्सपर्टीज़ है उन बच्चों की और वो डील अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको डील करते हैं और अच्छी एडवाइस देते हैं और अभी तक अलहदुल्ला कोई कंप्लेंट नहीं है अलसकी बिल्डर्स जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हम सिर्फ डी एच ए मुल्तान में ही काम कर रहे हैं जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी जो जितने भी डेवलपमेंट वर्कस हैं वो हम इन श बड़े

फोर टू फाइव मिलियन में थे बट जितनी डेवलपमेंट स्पेस चल रही है उस हिसाब से प्राइसेस अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं सो so, प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में वेरी करती हैं वो कुछ एट मिलियन से शुरू होती हैं और वो ऑलमोस्ट पंद्रह मिलियन तक जाती हैं अच्छी लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट सेक्टर्स में लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें सेवन या एट मिलियन से कम कनाल का प्लॉट मिले जो बाकी कैटेगरीज हैं दस मरला पांच मरला आठ मरले के और या ये रोमेंजा के जो हैं कनाल दो कनाल के वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं है। और वो जब कस्टमर कोई क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमारी प्रोफेशनल टीम है वो उसको हैंडल करते हैं है। तो सर थैंक यू सो मच आपने हमें इंटरव्यू दिया देखने वालों को काफ़ी आपने डीएचए की जो इन्फॉमेसन है वो प्रोवाइड कर दी तो जी नाजरीन हमारे साथ जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे और लैंड प्रोवाइडर हैं ऑथेंटिक पर्सनलिटी हैं तो हमने आपकी खिदमत में इनका इंटरव्यू इसलिए पेश किया ताकि आप डी एच ए पर ट्रस्ट करें इन पर ट्रस्ट करें हम पर ट्रस्ट करें तो हमारी इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसके अलावा डी एच ए में आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है तो आप दिए गए हमारे इस नंबर पर रबता कर सकते हैं मुझे दीजिए इजाज़त खुदा हाफ़